गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से 66वीं बीपीएससी का इंटरव्यू शुरू हो गया है। आज 9 अक्टूबर है और ये 21 तारीख तक चलेगा। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाया जाए। मैंने 64वीं में इंटरव्यू दिया था, तो उसका अनुभव मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ताकि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें इससे हेल्प मिले। ठीक है, क्योंकि हम लोग तैयारी जब करते हैं इंटरव्यू का, तो अपना सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, साथ साथ बहुत सी बातें ऐसी होती है जो कॉमन होती है, जो हर कैंडिडेट के लिए वो यूजफुल होती है। तो इसमें मैं दोनों बताऊंगा, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो भी बताऊंगा, इसके साथ साथ जो कुछ कॉमन बातें हैं दोनों पर चर्चा करूंगा मैं। तो सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता ही आता है, ठीक है, उसमें 90% संभावना है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको तैयार करना होगा। तो उसमें जो है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन पूछने वाले होंगे, अगर वो एक्सपर्ट हुए उस सब्जेक्ट के तो ही आपसे बहुत डीप पूछेंगे, नहीं तो फिर अगर उनका वो सब्जेक्ट नहीं हुआ तो वो एवरेज क्वेश्चन पूछ के छोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है कि आपका अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपने पढ़ा ही होगा मेंस के लिए, तो आपको एक ओवरव्यू होगा ही होगा। इसके साथ साथ जो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया होगा ऑप्शनल का, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स को पूरा पढ़ने मत बैठिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में कुछ कुछ फैक्ट देख लीजिएगा, और ओवरऑल एक जो व्यू होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो एक बार देख लीजिएगा, बस उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा जो है स्नातक का विषय, स्नातक विशेष क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और स्नातक के विषय से क्वेश्चन बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड मेंबर होते हैं वो मोटा मोटा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मैंने इंटरव्यू दिया था 64वीं का, तो उसमें मुझसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। अब मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था, तो उसमें पूछा गया चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है, इसका वापस क्यों लिया गया, ये पूछा गया था, कहाँ हुआ था। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इससे इसको आपको ऐसे इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, ऑनर्स का सब्जेक्ट, या आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड हो, तो बस बेसिक एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछेंगे। ब्रांच, अगर आपने बीटेक किया है तो आपका ब्रांच का नाम क्या था, ब्रांच में क्या क्या उसमें उसका उसका चैप्टर कौन कौन सा है, बस वो देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत डीप नहीं जाते ये लोग, ठीक है। इसके बाद अपना हॉबी तैयार कीजिएगा, हॉबी से बेसिक बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, ठीक है, और हॉबी जरूरी पूछा ही जाएगा आपसे। अगर ऐसा पॉइंट आ गया, जैसे मेरे से हॉबी पूछा गया था, तो 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, डायरी राइटिंग मेरी हॉबी थी, तो 2-3 क्वेश्चन की प्रमुख डायरी राइटर का नाम बताइए, आपको डायरी राइटर से क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ है, बस यही बेसिक पूछ के छोड़ दिया गया था। तो हॉबी से, हाँ देखिए, डिपेंड ये करता है कि आपका जो हॉबी, अगर उसको इंटरेस्टिंग लग गया तो पूछ सकता है बहुत अंदर जाके, लेकिन बहुत अंदर जाने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है, बेसिक कर याद कर लीजिएगा। सॉरी, क्योंकि आपका टाइम कम है, अभी के समय में आप बस मोटा मोटे देख लीजिए, करंट इशू 40 से 50 तैयार कर लीजिएगा, आपने तैयार कर भी लिया होगा, जो लोग आज देने वाले हैं या कल या परसों, 40 हॉट टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, और हॉट टॉपिक में आप उसका उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली वो भारत से जुड़ के पूछेंगे, कोई भी हो, जैसे कनाडा के से तो भारत डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यूक्रेन का इशू है तो भारत से जोड़ कर पूछ लेंगे, ठीक है। अभी हमास और इसका इजराइल के चल रहा है अभी मामला, तो वहाँ से आपको भारत पे पूछेंगे ज़्यादातर वो लोग। और एक चीज़ और है कि मुझसे क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछली बार, वो थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है, जैसे कि इजराइल, उसमें उस समय मामला आ गया था इजराइल का भी, उस समय इजराइली दूतावास पर अटैक हो गया था, हमला हुआ था, हमला मतलब छोटा एक वहाँ पर कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था, तो इसलिए पूछा गया था क्वेश्चन, तो पूरा इजराइल पूछ दिया फैक्चुअल, इजराइली जनसंख्या क्या है, पीएम कौन वहाँ के हैं, जीडीपी कितनी है, बाउंड्री क्या है, तो मैं 2-3 देश का नाम बता रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा, यूक्रेन कर लीजिएगा उसके बारे में पूरा डिटेल, कनाडा कर लीजिएगा पूरा डिटेल, रशिया कर लीजिएगा उसका पूरा डिटेल, ठीक है, और अभी इजराइल के चलते इजराइल भी देख लीजिएगा एक बार, तो ये 4-5 देश को एक बार बाउंड्री, जीडीपी, जनसंख्या, पीएम वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हो सकता है पूछ ले वो लोग। इसके बाद पोस्ट प्रिफ्रेंस, तो देखिए हम लोग जनरल क्या करते हैं, पोस्ट प्रिफ्रेंस में ना 1-2 को याद करते हैं, जैसे पहला जिसका बिहार प्रशासन सेवा होता है, तो बिहार प्रशासन सेवा में क्यों आना चाहते हैं, क्या है, इसके बाद आपको एक सिचुएशन बस क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग उसको तैयार करते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना, तैयार कीजिएगा 1-1-2 तैयार कीजिएगा, पर 3-4 थोड़ा स्पेशल तैयार कर लीजिएगा। अब ऐसा होता है कि वो लोग पोस्ट प्रिफरेंस ना 3-4 से पूछ लेते हैं, जैसे मुझसे पूछ ले गया था एमयू, मेरा था चौथे प्रिफरेंस में, तो मुझसे एमयू से क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि 1-2-3-4 तक तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा सामान है कि लोग 3-4 का भी पूछ देंगे वो लोग, क्योंकि पता होता है कि 1-2 तो सब तैयार रखा आता है, तो 3-4 का पूछ लो उससे, ठीक है। एक बात और है जो
आपको जो सब्जेक्ट से बाहर है आयोग के भीतर सभी गतिविधि पर ध्यान रखना। आयोग के अंदर जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जो जो प्रोसेस है वहाँ पर थोड़ा आस पास गतिविधि पर ध्यान रखिएगा। वहाँ भी क्वेश्चन पूछा सकता है, पूछ दीजिए कि आपका अभी अभी आप इंटरव्यू देना है, पीछे में क्या क्या प्रोसेस हुआ है बता दीजिए लाइन से, ठीक है ना, क्रम आज बताइए, वो पूछ देंगे। क्योंकि पिछली बार जब मैं 64वें दिया था तो उस समय कोरोना का दौर चल रहा था, तो कोरोना में मेरा कोरोना टेस्ट हुआ था, रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था वहाँ पे। तो अंदर गया तो उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा टेस्ट आपका हुआ है, कैसे हुआ है, तो वहाँ पर आपको मुझे बताना पड़ा था, वहाँ मुझसे मिस्टेक हो गया था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बाहर के, आस पास थोड़ा वो नज़र रखिएगा, मतलब अपने थोड़े दिमाग को खोल कर रखिएगा बाहर पर भी, ठीक है, कि अंदर जा रहे हैं तो हो सकता है मैं भी आसपास के कुछ गतिविधि से आयोग के बाहर अंदर थोड़ा अपना दिमाग सॉरी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहाँ से पूछ सकते हैं लोग, क्योंकि इंटरव्यू जो लेते हैं तो लोगों के पास पहले से क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है, वो लोग शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर शुरुआत आपका ऑप्शन सर्वर से ही करेंगे, ज़्यादा समान यही होती है, आपको बायो से कर सकते हैं, बायो लोग ज़्यादा होता नहीं है, बायो बस यही होता है कि आपने स्नातक किससे किया है, ठीक है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, बस यही उनके पास ज़्यादा यही बायो होता है, बाकी आपका डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट उनके पास होता नहीं है, ठीक है। हाँ, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेंगे आपसे, तो वहाँ पर अगर अगर आपने बता दिया कि मैंने वहाँ से किया है, वहाँ पर आपका जिले का नाम गलत आ गया, मतलब मेंशन हो गया, जैसे आपने बोला कि मैं वीर कुंवर सिंह आरा से अपना स्नातक कंप्लीट किया, तो वहाँ से आरा आ गया, तो आरा गया तो मतलब आरा से है, आप क्लियर हो गया वहाँ पर, तो हो सकता है कि उस डिस्ट्रिक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछ दे आपसे, ठीक है। वैसे आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना नहीं होता है कि मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, वहाँ बताना नहीं होता है, ठीक है, वो लोग खुद ही आपसे आपके उनके पास रहता है, आपका डिटेल नंबर से ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, स्नातक सब्जेक्ट रहता है, तो अब पोस्ट पेपर रहता है, तो वहाँ से वो लोग देख के ना क्वेश्चन एराइज करेंगे, बोलेंगे कि आपका अपना सब्जेक्ट ये है तो चलिए बताइए, वहाँ शुरू कर देंगे, अब वहाँ से क्वेश्चन आते जाएगा आपके पास, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपके क्वेश्चन से वो लोग क्वेश्चन एराइज कर देंगे, ठीक है, और जो लोग को इंटरेस्टिंग लगा ना वहाँ से वहाँ वो लोग हो जाएंगे। तो ऐसा देने क्रम में थोड़ा ध्यान रहेगा, जो आपको नहीं आ रहा ना उसे वर्ड मटा दीजिएगा अपने आंसर में, थोड़ा सा वहाँ पर सजग रहिएगा आंसर बोलने के क्रम में। इसके बाद हाँ हो गया, अब जो लास्ट है वो ये चीज़ के द्वारा रहेगा कि फैक्ट नहीं आ रहा सॉरी बोल दीजिएगा। फैक्ट अगर मान लीजिए उन्होंने पूछा कि इजराइल की अभी जीडीपी कितनी है, तो जीडीपी आपको नहीं पता है, अगर आइडिया है तो मोटा मोटी बोल सकते हैं, आसपास थोड़ा चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप बहुत बड़ा गलती मत कीजिएगा, बोलिए सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है गलती सॉरी बोलने में, लेकिन आपसे कॉन्सेप्ट पूछा गया, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, तो आप उसके इर्द गिर्द उत्तर दे सकते हैं, वहाँ पर सॉरी मत बोलिएगा। जैसे पूछिएगा हमास और अभी इजराइल कुछ युद्ध चल रहा है तो उससे भारत का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ सॉरी मत बोल दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, भारत की विदेश नीति पर इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत के इजराइल का रिलेशन ईरान से अच्छा है सॉरी ईरान से बहुत ख़राब है, तो वैसे में अगर भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, अभी वर्तमान पीएम क्या है, वर्तमान पीएम ने बोला भी है कि स्टैंड टेररिस्ट अटैक हुआ है इजराइल पे, हम लोग इजराइली लोगों के साथ खड़े हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिडिल वहाँ पर जो मध्य एशिया है वहाँ पर जो शक्ति संतुलन है वहाँ पर भारत को विदेश नीति में थोड़ा से थोड़ा डालने में आ सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। इससे भारत की विदेश नीति के साथ साथ अन्य चीज़ें हैं, जैसे कभी आईएमएफ गुजारना है वहाँ से, G20 में बात हुआ ये, तब अब जो युद्ध चल गया वहाँ सऊदी अरब न्यूट्रल हो नहीं सकता है, उसको किसी न किसी पक्ष लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप उसका उत्तर दे सकते हो वहाँ फिर आगे भी, बस आसपास होना चाहिए, और आपको ये जल गया कि आपको उसके बारे में कंसेप्चुअल अच्छे से पता है, ठीक है ना, आपको उसका प्रभाव पता है, उससे जुड़ा हुआ चीज़ पता है, तो नंबर दे देंगे वो लोग, वहाँ सॉरी बोलते हैं तो मतलब उनको ऐसा लगेगा कि इंटरव्यू तैयारी करके आया है, फैक्चुअल तैयार करके आया है, बाकी उसको आसपास उसको कुछ आ नहीं रहा है, तो वो लोग दिमाग में ये आ जाएगा, वो लोग कहीं से ऐसा ये ना लेना चाहिए ना कि स्पेशली तैयारी करके आया है, स्पेशली तैयारी किया है और फैक्ट रट गया है, वो लोग ये नहीं होना चाहिए, बस होना चाहिए कहाँ इसका पर्सनैलिटी है, 4-5 साल से तैयारी किया हुआ है, जिसको ठीक ठाक नॉलेज हो गया है, स्थिति को समझता है अच्छे से, उसको उनको अगर ये एहसास हो गया तो नंबर दे देंगे वो लोग, ठीक है, ये काम कर लीजिएगा। और तो ये आपका मैंने 7 टॉपिक बता दिया आपको, क्या 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 करना है क्या नहीं करना है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, न्यूज़ पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा, वैसे न्यूज़पेपर आप लोग आज से ही पढ़ना शुरू कर, आपने पढ़ा होगा पिछले 15 दिन का, तो उसको ध्यान रखना ही रखना है, शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, लेकिन उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा, वो डायरेक्ट पूछ देंगे कि आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो वहाँ फंस जाइएगा, बोलेगा हाँ पढ़ा है, तो बोलेगा ठीक है बताइए फ्रंट पेज पे क्या था, या आज का जो सबसे चर्चा वाला मुद्दा क्या है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, तो उस दिन का न्यूज़पेपर आप जब भी आपका इंटरव्यू हो, या तो मॉर्निंग शिफ्ट में हो या इवनिंग शिफ्ट में हो या दोपहर शिफ्ट में हो, तो वहाँ से न्यूज़पेपर लेके उसका जो मेन मेन जो पॉइंट है वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको थोड़ा मोड़ा क्रश बता दिया, ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आपके मैं आपको शेयर कर सकूँ, आज से इंटरव्यू स्टार्ट है, और जो आगे देने वाले हैं वो वीडियो देख के उसका लाभ उठा सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, धन्यवाद।